नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करेंगे एक जादुई अंक का, यानी जिसको हम लकी नंबर बोलते हैं। वो लकी नंबर, अगर उस लकी नंबर का आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया, सही तरीके से अगर आपने उसका उपयोग किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में दिनों दिन उन्नति होती रहेगी, आपके मार्ग में आने वाली सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपने सही तरीके से, जैसा मैं बता रहा हूँ, वैसा अगर आपने प्रयोग किया, वैसा अगर आपने उस नंबर का यूज़ किया, तो आप निश्चित तौर पर एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो जादुई अंक, किस तरह से करना है उसका प्रयोग। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये आपका मूलांक नहीं है। बहुत लोग क्या समझते हैं कि जो जादुई अंक है या जो आपका लकी नंबर है वो आपका मूलांक है। मूलांक मतलब होता है जिस तारीख को आपने जन्म लिया है उस नंबर को मूलांक बोलते हैं। तो हम मूलांक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं जादुई अंक की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जादुई अंक क्या है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उन लोगों की जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है। किसी भी महीने की इन तारीखों को अगर कोई का जन्म हुआ है तो उसका मूलांक होता है 1। लेकिन आज हम मूलांक की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं लकी नंबर की। ये जो नंबर है वो सूर्य का अंक है और इसमें सूर्य की समस्त ऊर्जाएं सम्मिलित हैं। जिस भी व्यक्ति ने इस अंक को साध लिया उसको सूर्य की अनंत ऊर्जा का फल जरूर मिलता है। तो आपका जो लकी नंबर है वो है 1। आपका लकी नंबर क्या हुआ, आपका जादुई अंक क्या हुआ, 1। अब मैं आपको बताता हूँ इसके उपयोग करने के तरीके को, यानी किस प्रकार से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस अंक की सभी शक्ति प्राप्त करने के लिए आप इस अंक को पीले कागज या पीले कपड़े पर लाल रंग या लाल रंग की स्याही से लिखकर हमेशा अपने पास रखें, या पर्स में रख लें या फिर किसी भी तरह से अपने पास रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर शक्ति ताकत हमेशा बनी रहेगी, साथ ही आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं हम दूसरे अंक की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का जो मूलांक होता है वो होता है 2 और आपका लकी नंबर होगा 22। ध्यान रखें, यह मूलांक अलग है और आपका जो लकी नंबर है वो अलग है। तो आपका लकी नंबर क्या हुआ, 22। ये अंक है चंद्रमा का, जो कि आपको शीतलता और कोमलता प्रदान करता है, जो कि आपको हमेशा कूल रखता है। अब आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। इस अंक की शक्ति प्राप्त करने के लिए आप एक सफ़ेद कागज या सफ़ेद कपड़े पर पीले रंग से या पीले रंग की स्याही से 22 अंक, यानी जो मैंने अभी बताया लकी नंबर, वो लिखेंगे। 22 लिखकर हमेशा अपने पास रखेंगे, या तो पर्स में रख लीजिए या किसी भी प्रकार से अपने पास रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे और फालतू के विवाद में से बचे रहेंगे। तो बात करते हैं हम 3 अंक की। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक क्या होगा, 3। 3 अंक है वो है बृहस्पति का। बृहस्पति जो कि सभी ग्रहों के गुरु हैं, तो गुरु क्या देता है, ज्ञान देता है। तो ज्ञान का भंडार से भरा हुआ ये 3 अंक है। लेकिन आपका जो लकी नंबर है वो है 333, यानी 333, ये आपका लकी नंबर हुआ। तो जानते हैं हम इसके प्रयोग करने का तरीका। इस अंक की सभी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए इसे पीले कागज या पीले रंग के कपड़े पर पीले रंग की स्याही से 333 लिखकर अपने पास रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रभाव व आपकी वाणी की शक्ति बनी रहेगी और आपके कार्यक्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती रहेगी, कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं हम नंबर 4 की। तो जिन भी लोगों का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, ऐसे सभी लोगों का जो मूलांक है वो होता है 4 और आपका जो जादुई अंक है वो है 13, यानी कि 13। 13 आपका लकी नंबर है। ये अंक है महावली राहु का। राहु वो ग्रह है जो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप इस अंक को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इस अंक की सभी शक्तियों को पाने के लिए आप इस अंक को आसमानी कलर के कागज या कपड़े पर भूरे रंग की स्याही या भूरे रंग से लिखकर अपने पर्स में या अपने पास हमेशा रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे।
क्योंकि आपको मालूम है कि राहु जो है वो इंसान के जो ग्राफ है, इंसान के जो लाइफ का ग्राफ है, उसको जिगजैग बना देता है अगर वो सही नहीं है। तो अगर आप राहु के इस अंक को साध लेते हैं, इस अंक को अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाले जो उतार चढ़ाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं अंक 5 की। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का जो मूलांक है वो है 5। और ये जो अंक है वो है बुद्धि के दाता बुद्ध का। जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध अगर आप किसी भी इंसान का, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा, दूसरी बात ये कि उसकी जो त्वचा है, उसका जो कलर है वो एकदम सही रहेगा। मतलब ये कि आप हमेशा अपनी उम्र से छोटे ही दिखोगे अगर आपका बुद्ध सही है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप भी उम्र से छोटे दिखें, तो आप इस अंक को ज़रूर यूज़ कीजिए। और आपका जो लकी अंक है या लकी नंबर है वो है 505। 505 को किस प्रकार से यूज़ करें, यानी क्या तरीका है जिससे आप ये सब चीज़ पा सकते हैं। तो इस अंक की सभी शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस अंक को, मतलब 505 को, हरे रंग के कागज़ या हरे रंग के कपड़े पर हरे रंग की स्याही से लिखकर अपने पास रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि हरे रंग के कपड़े से हरे रंग से कैसे लिखेंगे। तो भाई एक जो, जैसे मान लीजिए कपड़ा या कागज़ है, वो आप लाइट ले लीजिए और डार्क वाले कलर से लिख दीजिए, या डार्क ले लीजिए और लाइट वाले से लिख दीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी, आप सही से सोच समझ सकेंगे और भटकाव भी कम होगा। चलिए बात करते हैं हम नंबर 6 की। तो जिन लोगों का भी जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका अंक है 6। जैसे कि आपको मालूम कि 6 जो अंक है वो है शुक्र का। शुक्र मतलब सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि। तो अगर ये सब चीज़ आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको 24 अंक, जो आपका जादुई अंक है 24, उसका प्रयोग सही तरीके से करना होगा। तो जादुई अंक 24 को किस प्रकार से आप प्रयोग करें कि आपको ये सभी चीज़ प्राप्त हो, तो इस अंक की सभी शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस अंक यानी 24 को सफ़ेद रंग के कागज़ या सफ़ेद रंग के कपड़े पर गुलाबी रंग की स्याही से या गुलाबी रंग से लिख कर अपने पर्स या अपने पास रखें। ऐसा करने से आपके प्रेम संबंध, आकर्षण तथा रिश्ते मजबूत होंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम नंबर 7 की। तो जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ है, इन सभी लोगों का जो मूलांक है वो है 7। और 7 अंक है केतु का। और केतु जो कि बिना मतलब के सोचने की शक्ति देता है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता ऐसा। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको इसका जादू अंक जो कि है 77, इसका प्रयोग सही तरीके से करना पड़ेगा। आप कैसे करते हैं उसका प्रयोग, तो चलिए जानते हैं। इस अंक की शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस अंक यानी 77 को सफ़ेद रंग के कागज़ या सफ़ेद रंग के कपड़े पर सुनहरे रंग से लिखकर, यानी कि गोल्डन कलर, सुनहरे रंग से लिखकर अपने पर्स या अपने पास रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गंभीर बीमारियों तथा अचानक होने वाली हानि से बचे रहेंगे। और जो व्यक्ति बीमारियों से बच जाए वो तो वैसे ही धनवान होता है, और साथ में जो अचानक आने वाली प्रॉब्लम होती है उससे अगर बचा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इसलिए आप इस अंक का प्रयोग इस तरीके से ज़रूर करें जैसे मैंने बताया। चलिए बात करते हैं नंबर 8 की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को हुआ है, ऐसे सभी लोगों का जो मूलांक है वो है 8। और ये अंक है शनि का। और जैसे कि आप जानते हैं कि शनि होता है न्याय और दंड का देवता, यानी अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से काम करते हैं, किसी भी प्रकार से किसी का बुरा नहीं करते हैं, आपके दिल में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तो शनि आपको भरपूर देगा। यानी कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको मिलेगा अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो। और आपका जो जादुई अंक है वो है 62 यानी 62। जानते हैं कि इस अंक को किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी लाइफ में इसको ला सकते हैं। इस सभी शक्ति प्राप्त करने के लिए इस अंक यानी 62 को नीले कागज़ या नीले रंग के कपड़े पर नीले रंग या नीले रंग की स्याही से लिखकर अपने पास रखें। ऐसा करने से आपके कम प्रयास करने के बावजूद आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी तथा जीवन में संघर्ष कम होगा। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप
काम कम कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता ज़्यादा मिल रही है, और साथ ही जो आपके जीवन में स्ट्रगल होता है वो स्ट्रगल भी कम होगा, या मैं तो कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा अगर आप इस अंक को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिरी अंक यानी नौ की। तो जिगो का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, ऐसे सभी लोगों का जो मूलांक है वो होता है 9। और 9 जो अंक है वो है महाबली मंगल का। जैसे कि आप जानते हैं मंगल देता है साहस, किसी भी काम को करने की शक्ति। और आपका जो लकी नंबर है यानी 9 मूलांक वाले लोगों का जो लकी नंबर है वो है 99। अब इस अंक को हम किस प्रकार से अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं अब मैं वो बताता हूँ। तो इस अंक की शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस अंक यानी 99 को सफ़ेद कागज़ या सफ़ेद कपड़े पर लाल रंग या लाल रंग की स्याही से लिखकर अपने पास रखें। ऐसा करने से आपकी शक्ति बढ़ेगी, दुर्घटनाओं से आप बचे रहेंगे। ये थे सभी 9 अंकों के जादुई अंक जो कि आपके जीवन में अपार सफलता दिला सकते हैं अगर आपने लगातार इनका यूज़ किया तो। और यूज़ करने के लिए आपको कहीं जाना तो है नहीं, बस आपको लिख कर रखना है अपने पास बस। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।